कोई है? हेलो, कोई मुझे रास्ता दिखा दो यहाँ से बाहर निकलने का। सुनिए, आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं ये जंगल में फंस गया हूँ, भटक गया हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा है। आप हेल्प कर सकती हैं मेरी? सुनिए, बचाओ बचाओ बचाओ। वो जंगल, वो औरत, बैल का सर, सब ठीक तो है ना भैरव? इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ नहीं भैया, सब ठीक है। माँ, कल रात एक बड़ा ही डरावना और अजीब सा सपना देखा मैंने। मैं एक अजीब से जंगल में खो गया हूं और अचानक एक औरत मेरे सामने आती है जिसके शरीर पर बैल का सर है। और वो मुझे मारने आ रही है, तभी एक रोशनी से एक लड़की निकल कर आती है जो मुझे बचाती है, वो भी शिवजी के मंदिर में। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हुआ, आप लोग इतने डरे डरे क्यों हैं? कहीं आप लोगों को भी तो ऐसा कुछ? रोशनी से निकलती हुई लड़की शिवजी के मंदिर में, हमने क्यों नहीं देखा उस लड़की को कभी अपने सपने में? मतलब आप लोगों ने भी ऐसा कोई सपना देखा है? कोनो मतलब नहीं है इस सब सपना का। और भैरव, तुम भी विश्वास करने लगे इन सब बातों में। गांव से शहर तुमको इसलिए भेजे थे ताकि पढ़ लिख के अपना ज्ञान बढ़ाओ, ना कि इसलिए कि ये बिना सिर पैर के सपनों का अर्थ निकालते बैठो। का समझे? कल महाशिवरात्रि है और मुझे इस घर में कोई भी अशुभ बात नहीं चाहिए। आज गांव के मंदिर में आरती है और इस गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार का मुखिया होने के नाते यह महाआरती मैं संपन्न करूंगा। चलने की तैयारी कीजिए। भैरव, कल क्या सचमुच तुमने सपने में? कुशाल, बस करो, क्या बोल रहे हो? अभी तुम्हारे पिताजी बोल के गए ना कि ये सब सपना था, तो फिर भैरव चलो अंदर चलो। भैया, हम सबने वही सपना देखा, लेकिन हमने किसी को भी
मंदिर या कोई रोशनी से आती हुई लड़की को नहीं देखा, तो फिर भैया को ही क्यों? मैं सोचना भी नहीं चाहता हूं उस सपने के बारे में। कहीं वो सच में वापस ना आ जाए। शिवरात्रि के दिन मर रही हूँ ना, इससे दिन वापस आऊंगी, तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी, शास्त्री जी नमस्ते। इतनी अच्छी बात है, आज पूरा परिवार आपके साथ है। आपके बिना तो हर पूजा अधूरी लगती है। मालिक आपको अच्छा रखे। ए कुशाल। जी पिताजी। ये जो मान सम्मान प्रतिष्ठा देख रहे हो ना, हमरे बाद तुम्हीं को मिलने वाला है, समझे ना? जी। ये गांव वाले हमको भगवान से कम नहीं समझते हैं। जय हो, हरि ओम। चलिए। ओम श्री भैरव नमो, ओम भूतनाथ नमो, ओम वृतात्मने नमो, ओम भूतमाना नमो, ओम क्षेत्र ज्ञान नमो, क्षेत्र ज्ञान नमो, विराजय नमो, शमशानवासिने नमो, मंत्रासिने नमो, करवराशिने नमो, स्मारांतका नमो, रक्तपान नमो, पानया नमो, सुधिया नमो, शिवता नमो। मैं लौट आई। ये सब मन का वहम है, वो वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। शास्त्री जी, हम सबका एक ही साथ एक ही डरावना दृश्य देखना कहीं किसी संकट का सूचक तो नहीं है? ये क्या कह रहे हैं शास्त्री जी आप? मैंने कहा ना, वो वापस नहीं आ सकती, वो कभी वापस नहीं आ सकती। हमें ठीक नहीं लग रहा। वो आ सकती है माँ, वो आ सकती है। उसने कहा था कि मैं महाशिवरात्रि से पहले अपना बदला लूंगी। वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी माँ। क्या हो गया? मंदिर में जो कुछ हुआ है उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। हम है ना, कोनो चीज से डरने का जरूरत नहीं है, समझ गई ना तुम? सुनो, तुम का कह रहे थे कुछ काम वाम है, जाओ अपना काम निपटा के सीधा घर चले आना। हाँ भैया, हमें शहर जाना पड़ेगा, वो जमीन का कुछ पेपर वर्क है बाकी है। ठीक है पिताजी। क्या हुआ पता नहीं। अरे यार, ये गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इस जंगल में मैं पहले आ चुका हूं? भैरव, भैरव कहीं ये वही जंगल तो नहीं
जिसे हम सब लोगों ने सपने में देखा था। भैया हर जंगल वैसा ही होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जंगल भी वही है जो हमने सपने में देखा था। और आप डरो मत, मैं हूं ना साथ में, हम लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे। वो देखिए, वो वहां पे रास्ता दिख रहा है, वहां से चलते हैं। भैरव ये कहां पहुंच गए हम लोग, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक भैरव और कुशाल काहे नहीं आए? बोलकर तो गए थे कि हम शाम तक लौट आएंगे, फिर काहे नहीं आए अब तक? अरे काहे इतना अड़बड़ा रही हो, बच्चा थोड़ी ना है, आ जाएगा थोड़ी देर में, शांत रहो थोड़ा। कैसे शांत रहे जी, वो भी इतने खराब सपने के बाद, और देखो ना मौसम में कितना बिगड़ा जा रहा है, हमको तो बहुत चिंता हो रही है। अच्छा रुको, फोन बैटरी खत्म हो गए। हे भाई दे बेटा, जरा भैया लोग को फोन लगा के पूछो कहाँ है, आए नहीं अभी तक। ये बिन मौसम हवा का चलना, बादलों का गरजना, ये भेड़ियों का भौंकना, ये सही नहीं है। भैया ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वहम नहीं है मेरा ये। क्या बात है भैया, कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? जो कल हमने सपना देखा था, क्या उसके पीछे कोई राज है जो छिपा हुआ है? क्या बकवास कर रहा है तू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तुमसे कोई बात क्यों छुपाएंगे? और जो कुछ भी पूछना है घर चल के पूछना, फिलहाल घर चल। दोनों में से किसी का फोन नहीं लग रहा है माँ, कहीं ये लोग जंगल के रास्ते से तो नहीं आ रहे? वही सिग्नल नहीं लगता किसी का। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद जाके अपने दोनों बेटे को लेकर। नहीं उगला रही हो का? इस तो जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है पापा, मेरे दोनों बेटे मौत से जूझ रहे। पापा उस जंगल में, पापा समझाओ, मेरा दोनों को लाना बहुत जरूरी है। अग्नि बाबा, बाबा क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं बाबा। मैं तुम दोनों को क्या रास्ता बताऊंगा, मैं तो खुद पिछले 30 साल से इस जंगल में भटक रहा हूँ। अगर मैंने कोई रास्ता बता भी दिया तो तुम दोनों में से कोई एक महादेव के महाशिवरात्रि का दर्शन कर पाएगा आज रात। बाबा कहाँ गया? बाबा कहाँ गया? कुशाल, भैरव, कुशाल बेटा, कहाँ हो मेरे बच्चों? कुशाल, भैरव, माँ, हाँ, मेरे बच्चे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कहाँ रह गए थे तुम लोग? कितनी चिंता हो रही थी मुझे, सब ठीक तो है ना? थैंक गॉड, माँ आप आ गई, हम लोग तो इस जंगल में खो ही गए थे। माँ हम रास्ता भटक गए थे। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। मार के रहूंगी, मुझे माफ करो।
भैया, भैया, भैया। अब तेरी बारी। तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। मार देगी मुझे। उसने खुशहाल भैया को भी मार दिया। शांत हो जाओ। सिंघाली चली गई है। अब वो वापस नहीं आएगी। सिंघाली? वो कौन है? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है? वो सपना सच था। मैंने तुम्हें भी सपने में देखा था। तुमने मुझे सपने में ऐसे ही बचाया था। कौन हो तुम? शिवानी। शिवानी है ये, महादेव शिव शंभो की भक्त, जिसने अपनी भक्ति से, अपनी आराधना से स्वयं महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया है। परंतु इनके इन्हीं सिद्धियों के कारण इनका परिवार इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया और दुर्भाग्यवश इन्हें अपने घर परिवार से दूर होना पड़ा। परंतु याद रहे, लोग कहते हैं महादेव जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। और शायद महादेव को पता था कि इस बार भी महाशिवरात्रि के एक दिन पहले वो अपना बदला लेने अवश्य आएगी और उसके प्रकोप से तुम्हें बचाना ही शिवानी के भाग्य में लिखा था। ये सिंघाली है कौन और मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी है? कौन सा बदला लेना चाहती है वो मेरे परिवार से? मूर्ख, तेरे परिवार की दुष्टता और धोखे धड़ी का नतीजा है ये। तुम्हारे अभिमानी पिता पुरुषोत्तम शास्त्री और धोखेबाज तुम्हारे बड़े भाई कुशाल की वजह से ये भयानक जीव का जन्म हुआ है। क्या पिताजी और भैया, ऐसा क्या किया उन्होंने? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। कुशाल को प्रिया नाम की लड़की से प्यार था। वो उससे शादी करना चाहता था, परंतु तुम्हारे अभिमानी पिता पुरुषोत्तम शास्त्री को यह विवाह मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ कुशाल और प्रिया अपने गांव के पुरोहित व्योम प्रकाश के पास गए और उनसे विनती की कि वो उनका विवाह करवाए।
लेकिन पुरुषोत्तम शास्त्री की दबंग गई और उनकी दहशत के सामने ओ पुरोहित व्योम प्रकाश थर थर कांपते थे। इसलिए चुपके से जाकर उन्होंने पुरुषोत्तम शास्त्री को सारी बात बता दी। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले विवाह होना था, लेकिन उसके पहले कि इनका विवाह हो पाता। कुशाल कायर था जो अपने पिता के डर के आगे झुक गया, और उसने उस लड़की को धोखा दिया जिससे वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था। इसके पहले कि प्रिया कुशाल के धोखेबाजी के सदमे से उबर पाती, पुरुषोत्तम शास्त्री के आदमी उसकी जान लेने के लिए आमादा थे। पुरुषोत्तम शास्त्री के आदमियों से अपनी जान बचाते बचाते वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर काला जादू और तंत्र मंत्र हो रहा था, जहां पर अक्सर बैल की बलि दी जाती थी। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो कुशाल, कुशाल। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मैं अपना बदला लेके रहूंगी। महाशिवरात्रि के दिन मर रही हूं ना, इसी दिन वापस आऊंगी, तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। इसलिए मरने के बाद प्रिया वापस आई है इस दुनिया में अपना बदला लेने के लिए सिंघाली के रूप में, लेकिन एक औरत के शरीर पर बैल का सर लेकर। हाँ, ये सच है कि महाशिवरात्रि के एक दिन पहले उसके साथ धोखा हुआ था, लेकिन ये भी सच है कि शिवरात्रि के दिन महाकाल महादेव की शक्तियाँ सबसे प्रबल और शक्तिशाली होती है। एक तरफ सिंघाली का बदला और दूसरे तरफ महाकाल महादेव की महाराधना। ये सिर्फ बदला नहीं, देव और दानव, अच्छाई और बुराई के बीच का महायुद्ध है। ये महायुद्ध ही है, क्योंकि सिंघाली अपना बदला लेने के लिए कल महाशिवरात्रि के दिन अवश्य आएगी, और पुरुषोत्तम शास्त्री के इकलौते बचे हुए बेटे अर्थात तुम, तुम्हारी हत्या करके ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कोई तो होगा जो सिंघाली को रोक सके। है वो शिवानी, है शिवानी, महाकाल महादेव की सबसे बड़ी भक्त। शिवानी ही उस सिंघाली के दानवीय प्रकोप को रोक सकती है, परंतु याद रहे वो सिर्फ उसकी दानवीय प्रक्रिया को रोक सकती है, उसका अंत नहीं कर सकती। मैं अपनी शक्तियों की मदद से और महादेव की आशीर्वाद से आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आज मैं आपको सिंघाली के प्रकोप से बचाने में सक्षम हुई तो मैं कल भी आपकी रक्षा करूंगी। अपनी रक्षा के लिए शिवानी की जान कैसे दांव पे लगा सकता हूं, ये तो गलत होगा। होनी को भला कौन टाल सकता है, ये होनी है, तू भी नहीं टाल सकता। शिवानी के भाग में तुम्हारे प्राण बचाना लिखा था और तुम्हारे भाग में शिवानी का आना लिखा था। क्या आपको मुझ पर यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ? जो कुछ देख चुका हूं उसके बाद तो खुद से भी ज्यादा। हमारे परिवार को बचाने का समय आ गया। जय शिव शंभो।
जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे इसीलिए पालते हैं तुमको, अगर नहीं खोज पाओगे ना चप। तुम लोगों ने आने में कुशल, कुशल कहाँ पे? भैरव मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो, कुशल कहाँ पे? ए भैरव, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? कुशल कहाँ है? मार डाला कुशल भैया को सिंघाली ने। वही सिंघाली जो कभी प्रिया थी। मैं किस प्रिया की बात कर रहा हूं जानते हैं ना पिताजी? वही प्रिया जो कुशाल भैया से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उनसे, और जिसे आपने मार डाला। हत्यारे हैं आप, हत्यारे। और इसी धोखे का बदला लेने के लिए सिंघाली जैसे शैतानी रूप धारण कर वो हम सबको मार देना चाहती। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा। आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सबकी रक्षा करूंगी। दूर हट ऐसे, तू दूर हट। मैं अपने परिवार की रक्षा खुद कर सकती हूँ। ये कहीं वही सिंघाली तो नहीं है ना? भेस बदल कर आई है, हमारे घर से बदला लेना चाहती है इन सबसे। इसे निकालो यहाँ से, अभी इसे वक्त निकाल दो इसे यहाँ से। शिवानी सच में हमारी मदद करने आई है माँ। इसके पास महादेव शिव जी की दी हुई शक्तियां हैं, इसी ने मेरी जान सिंघाली से बचाई थी। अद्भुत, इसमें सचमुच शिव की शक्तियां हैं। ये सच्ची शिव भक्त है। चल बेटा, चलो मेरे साथ। शिवानी, इसे भी वैसे ही मार देना चाहते हैं जैसे प्रिया को मारा था? नहीं भैरव बेटा, हम अपना ताकत और पैसे के नशे में पागल हो गए थे। देखो एक बेटा खो चुके, अब अपना इकलौता बेटा और अपने खानदान को बचाना चाहते। विश्वास करो हमारी बात का। मुझे आप पर विश्वास है पुरुषोत्तम जी। नहीं शिवानी, तुम इन्हें नहीं जानती। शिवानी मैं तुम्हें ले तो आया हूं, लेकिन मैं किसी भी हालत में तुम्हें सिंघाली की बलि नहीं बनने दे सकता। उस महाकाल महादेव पे विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब वो सिंघाली क्यों ना मेरे रास्ते में आए, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं आज तक नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। चलिए। Ha ha ha!
जल्दी ले आओ। आज सुबह से जब से आपने वो डरावना सपना देखा है, पता नहीं आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने? कल महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का पर्व है, और आपके चेहरे पर तो जैसे कि मौत आ रही हो। क्या शुभ बातें कर रही हो? जाओ जाकर दूध ले आओ हमारे लिए। कल सुबह से हमारा व्रत रहेगा और कल मंदिर में बहुत बड़ा त्योहार है। जाओ जाके दूध ले आओ। सही तो कह रहे हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ बताते हैं, घर में ऐसा लगता है जैसे मातम मचाओ। सिंघाली अपना बदला लेने जरूर आएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों की सजा तुम दोनों को मिले, जिसका एक ही रास्ता है, तुम दोनों की शादी। मैंने शिवानी में शिव की शक्तियां देखी हैं, वही सिंघाली और तुम्हारे बीच दीवार बन के खड़ी हो सकती है और तुम्हारी रक्षा कर सकती है। चलो आप क्यों आ गए? हम तो आ ही रहे थे। सुकन्या, सुकन्या! महाशिवरात्रि का पूजा करेगा तू? नो शिवाय, नो शिवाय। पिछले साल इसी शिवरात्रि में तुमने मुझे मारा था, अब तेरा भी वही हाल होगा जो कुशाल का हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बुला अपने शिव शंभु को, तुम जैसे पापी को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। बुला पंडित जी, कल महाशिवरात्रि की पूजा के साथ साथ भैरव और शिवानी का विवाह भी संपन्न करवाना होगा। बाबा, आपने मुझसे कहा था कि मेरा भाग्य भैरव के साथ जुड़ा हुआ है, भैरव की पत्नी बनकर उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन हूं तो मैं एक इंसान ही ना, सिंघाली जैसे दानवी शक्ति का मैं कब तक सामना करूं, कैसे अंत करूं? कल भैरव के साथ मेरी शादी है, और अगर सिंघाली ने उस पर हमला किया तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे रोक सकती हूं, पर उसका अंत तो नहीं कर सकती हूं ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। लेकिन याद रख, जब तक वो सिंघाली अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, वो हर साल बार बार यूं ही आती रहेगी। परंतु एक उपाय है। क्या? महाकाल महादेव के शिवगढ़ी उसका संहार करेंगे,
उसका नाश करेंगे। शिवगण यानी गंधर्व, पिशाच और दानव। हाँ। और अगर तभी भी सिंघाली की मौत नहीं हुई तो? तब स्वयं महादेव और माँ पार्वती आएंगे उस सिंघाली का संहार करने। जय शिव शंभो, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। चाहती क्या हो तुम सिंघाली? मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है लड़की। तू चाहे किसी के भी भक्त क्यों ना हो, भैरव की मौत सिर्फ मेरे हाथ में है। अब मुझे उससे कोई नहीं बचा पाएगा, तू भी नहीं। मेरे रास्ते से हट जा लड़की। रास्ते में तो मैं आ ही चुकी हूँ, वो भी भैरव के। अब मेरा जीवन और मृत्यु दोनों उनके साथ है। मैं चाहूं तो तुझे अभी कुचल सकती हूं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तेरे शादी के दिन ही तुझे खत्म करूंगी। फिर मैं भी देखती हूं भैरव को मेरे हाथ से कौन बचा पाएगा। अगर मैं मर भी गई तो भी भैरव को कुछ नहीं होगा। पति पत्नी का साथ सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं होता है, सातों जन्म के लिए होता है। महादेव शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद है मुझ पर। अपने इस भक्त की पुकार सुन के अगर स्वयं महादेव को भी धरती पर उतर के आना पड़े तो वो आएंगे। Oh.
शिवानी, उठो शिवानी। शिवानी, शिवानी उठो, उठो, तुम ठीक हो, उठो शिवानी।